नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता है टी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर वासी स्थित श्री रामविलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंस सोनकर में प्रथम उत्कृष्ट मनाया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए इंस्टीट्यूट के MD डॉक्टर बिमल द्विवेदी ने बताया कि आज जो कार्यक्रम मनाया गया वह प्रथम बैच के पास हुए बच्चों का सम्मान समारोह था, और जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी में अच्छे अंक से पास हुए हैं उनमें से टॉप 10 बच्चों को सावर्धन के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम स्थान इशिता द्विवेदी, रामशंकर पांडे, नौशीन खान, श्वेता राय, प्रदीप सिंह लोधी, मनसी चौधरी, कमाल अहमद, अब्दुल मंजीद अंसारी, गोपाल द्विवेदी एवं वसीम अकरम को इंस्टीट्यूट के MD डॉक्टर बिमल द्विवेदी के हाथों से पुरस्कृत किया गया। मीडिया से बात करते हुए इंस्टीट्यूट के प्रधानाध्यापक ने बताया कि प्रथम बैच के बी फार्मा के बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए मनाया गया। इस वर्ष की भांति अगले वर्ष और भव्य रूप से मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम इसको हम लोगों ने प्रथम उत्कर्ष करके प्रस्तुत किया है, और ये हमारे डॉक्टर ऋषि फार्मेसी इंस्टीट्यूट के प्रथम बैच जो पास आउट हुआ है अभी उसी का सम्मान समारोह था। उसमें जो बच्चे बहुत अच्छे रैंक से पास हुए हैं उनको बधाई शुभकामना देने से संबंधित समारोह था, जिसमें सारे बच्चे आए थे और बड़ा भावुकता का क्षण था। बच्चों ने इस चीज़ को अपने 2 साल के अनुभव को भी यहाँ पे प्रकट किया, टीचर्स से उनके जो मधुर संबंध थे उसको भी प्रकट किया। बड़ा अच्छा लगा ये कार्यक्रम देख। इसमें कुछ बच्चे को आपने सर गिफ्ट दिया, पुरस्कृत किया है, एक ऐसे छात्र थे ये जो टॉप 10 हमारे बच्चे थे, जो रैंकिंग में टॉप 10 बच्चे थे उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया, उनको प्रोत्साहित किया है, और जिससे उनको देख करके उनके जूनियर बैच के भी बच्चे प्रोत्साहित हो और अच्छा करने के लिए संकल्प। मैं प्रधानाचार्य हूँ अर्जुन शंकर, डॉक्टर विनोद कुमार द्विवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। जो आज हमारा प्रोग्राम था विद्यालय प्रांगण में वो प्रथम उत्कर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे जो फर्स्ट बैच के बच्चे हैं डी फार्मा जो उत्तीर्ण हुए, अच्छे नंबर से ऑनर्स डिग्री से पास हुए, जो टॉप 10 बच्चे हैं, उनको आज पूर्व निदेशक महोदय के उपस्थिति में उनको सम्मान किया गया। और चूँकि ये बच्चों के लिए एक माइलस्टोन क्रिएट करता है, जिससे बच्चे अपने आने वाले वर्ष में अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा नंबरिंग वगैरह ये सब करते हैं, और ये हर साल इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी तौर पर इससे बच्चों को बड़ी